गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और अभी टाइम हुआ है 5:30 और आज मैं सोच रहा हूँ कि आज निकलते हैं थोड़ा सा एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। लॉन्ग ड्राइव के लिए आज हम कहाँ जाएंगे कि आज किच्छा बाईपास होते हुए हम थोड़ा सा लालपुर की तरफ जाएंगे, जो यहाँ से बैठेगा लगभग 10 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। तो 20 किलोमीटर्स की आज राइड होने वाली है, थोड़ी सी लंबी राइड होगी। तो उस राइड के लिए आज हम ले लेते हैं पहले से वाटर बॉटल और थोड़ा सा कुछ खा के चलते हैं घर से, ताकि हमें कोई इशू ना हो। फ्रूट्स की शॉप पड़ेंगी तो वहाँ से कुछ परचेज करते हुए आएंगे। हाँ, और आज मैं आपको बताऊँगा साइकिलिंग के कुछ टिप्स भी, तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। फ्रेंड्स, आज का मौसम कल से भी बहुत सुंदर है। अब बादल लगे हैं, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं, बल्कि ठंडी ठंडी हवा चल रही। सूर्य भगवान आ चुके हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे। कहते हैं ना लोग, देखिए एक चीज बड़ी अच्छी याद आ रही है, लोग कहते हैं मुश्किलों के बादल अगर लगे हों तो आपको आशा की किरण नहीं दिखाई देती। बिल्कुल सही हो रहा है, सूर्य के आगे मुश्किलों के बादल लग रहे हैं और हमें आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही। ये देखिए फ्रेंड्स, रोड के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ एक नर्सरी है। ज़्यादा वैरायटी नहीं है उसके पास, लेकिन ठीक ठाक वैरायटी है, बिगनर्स के लिए अच्छी वैरायटी है। मेरे को भी पहले का प्लांट्स का शौक बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे धीरे धीरे प्लांट्स का शौक बढ़ा है और लगभग सारी ही नर्सरी से मैंने प्लांट्स परचेज किए हैं। और एक नर्सरी इधर भी है राइट साइड में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पंतनगर यूनिवर्सिटी बहुत पास है यहाँ, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर यहाँ से है। और पंतनगर यूनिवर्सिटी क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हो सकता है उसकी वजह से भी, और कुछ ये तराई का रीजन है। रुद्रपुर एक तराई का रीजन है एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो माइग्रेंट्स थे बंगाल से, उन लोगों को और पंजाब के जो माइग्रेंट्स थे उन लोगों को यहाँ बचाया था और उन लोगों को लैंड बहुत कम रेट पे दी थी, सो दैट वो यहाँ बस जाएं, यहाँ इस एरिया को डेवलप करें। और ये साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, बरेली इज 78 किलोमीटर अवे, सितारगंज 42 एंड किच्छा इज 14। और यहाँ एक रामलीला कमेटी भी है और इनका एक मैदान बड़ा सा, और राइट साइड में कभी मैं आपको लेके चलूँगा, यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक भी है जिसको इन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर रखा है। ये देखिए, ओए होए यार, इस सोसाइटी का व्यू तो देखो फ्रेंड्स, लगता है यार नेक्स्ट लेवल की कोई सोसाइटी बना रही है।
और ये है किच्छा रोड, यहीं से आप सितारगंज, यहीं से आप नानक बत्ता और यहीं से बरेली और ईस्टर्न यूपी आप यहीं से पहुंच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की एक इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर बाइसाइकिलिंग। टिप नंबर वन ये है कि आप जब भी, एक तो सैडल को थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए जैसे मैंने किया है, ये वो ठीक है, ये लगभग आपके वेस्ट तक आनी चाहिए और थोड़ा सा लीन होके, लेकिन कमर को कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्ट्रेट रहे। बहुत ज़्यादा अगर वो बैंड करेगी तो आपको पेन हो जाएगा। और जिस टाइप से मैंने, ये देखिए कुशन लगवा रखे हैं, ये जेल फॉर्म है बेसिकली, इससे क्या होता है आपको पिच्छू पेन थोड़ा कम होता है। और एक ये मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्लैश लाइट लगवा रखी है, इसका बेसिकली डे टाइम में भी यूज़ है लेकिन सही पर्पज़ इसका नाइट में यूज़ करने का है। डे टाइम में भी आप यूज़ करेंगे तो, बिकॉज इट इज़ अ फ्लैश लाइट, तो पीछे से अगर कोई आ रहा होगा और बाई चांस उसका ध्यान नहीं है तो फ्लैश लाइट होने की वजह से ये उसको अट्रैक्ट तो करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स कि अगर आप जैसे राइडिंग कर रहे हैं बाइसाइकिल से अपनी, तो उसमें ध्यान रखिएगा आपकी जो आप राइड करें वो मेनली अच्छी रोड पे करें, पक्की सड़क पे करें। अगर आप कच्ची सड़क पे या कच्ची रोड पे करेंगे तो उसमें आपको इशू ये आएगा कि आपकी बाइक में हो सकता है वहाँ कोई नेल पड़ी हो या फिर कोई ऐसा बहुत पॉइंटेड स्टोन पड़ा हो जो आपके टायर को किसी भी तरह का हार्म पहुँचाए, और नेल अगर कुछ बड़ी होगी तो आपकी साइकिल में पंचर ही कर देगी। वैसे तो आपके साथ पंचर किट हमेशा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट राइड के लिए जाते हैं तो आप स्पेशली ये चीज़ें नहीं लेके जाते हैं, जैसे मैं भी कभी नहीं रखता। लेकिन हाँ, लॉन्ग राइड के लिए अगर आप कभी जाएं तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक और यूजफुल टिप है फ्रेंड्स कि आप जब भी राइडिंग कर रहे हो तो या तो ईयरफोन ना लगाएं, और अगर आप ईयरफोन लगाते हैं तो एक ऐसे इस टाइप की ईयरफोन आते हैं जिसमें पीछे की आपको बाहर की वॉइस भी सुनाई देगी और म्यूज़िक का भी आप मज़ा ले सकेंगे। लेकिन अगर आपको इस टाइप की ईयरफोन लगाने हैं तो इसका वॉल्यूम कम रखिए, इतना लाइट वॉल्यूम रखिए कि आप म्यूज़िक तो इन्जॉय कर लें बीट्स वगैरह, लेकिन पीछे की अगर कोई नॉइज़ है या कोई हॉर्न दे रहा है या कोई पीछे से आ रहा है तो आपको पता लग जाए। तो म्यूज़िक इस तरह से रखिए। आजकल गर्मी आया है, मास्क पहनने में बहुत दिक्कत हो रही है राइडिंग करते वक्त, तो अगर आपने मास्क लगा रखा है बहुत इशू हो जाता है। एक तो मैं स्पेक्ट लगाता हूँ तो इसमें फॉग आ जाता है, और चलते वक्त तो खैर इतना दिक्कत नहीं है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम फॉग आ जाएगा। किलोमीटर राइड, लेकिन अभी जब मैंने अपनी
राइडिंग ट्रैकिंग एप्लीकेशन देखी तो आई कम टू नो कि इट इज़ ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स. नाउ आई एम गोइंग बैक टुडे, देयरफॉर आई विल कवर अराउंड 30 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स ईस्ट साइड. यहाँ का होटल ली कैसल. और फ्रेंड्स अब सामने है कूड़े का ये पहाड़, और सच में इसके सामने से निकलने में बहुत स्मेल आती है, इसलिए मैं कभी भी इस रोड से नहीं आता. आज शायद मैं दूसरी या तीसरी बार सामने से निकलूँगा. तो अब सही मोबाइल को रख देते हैं साइड में, क्योंकि साइकिल चलानी पड़ेगी सुपर स्पीड पे. ओ भाई बहुत गंदी स्मेल थी, और मैंने इतनी स्पीड ली, लगभग मेरी साइकिल की स्पीड रही होगी 35 to 40. और मेरे लंग्स में वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं. बहुत गंदी स्मेल थी. आई डोंट नो यार, नियर बाय लोग रह कैसे लेते हैं. लोग मज़े से चल रहे हैं, आराम से पैदल वॉक कर रहे हैं, बस साइकिल पे इतनी स्पीड से नहीं निकला जा रहा. ओह बहुत गंदी स्मेल. तो आज काफ़ी लंबी राइड हो गई है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर हमने कवर कर ली. कितना अच्छा लगता है ग्रीनरी. सामने रेडिसन होटल है, आज जाना है अपनी कार की सर्विस कराएंगे, क्योंकि मेरी कार मोर देन 20,000 किलोमीटर्स रन कर गई है. लास्ट सर्विस इसकी 10,000 किलोमीटर्स पे, 20,000 किलोमीटर पर ड्यू थी, तो नाउ इट इज़ ड्यू. हाँ सर्विस करानी है, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है 9:30 का. मार्केट फिर से जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि घर आने के बाद आज पता चला कि मम्मी बना रही हैं आज सूजी का हलवा और पनीर के पराठे. तो फ्रेंड्स पराठे हैं बिल्कुल तैयार, और हलवा में अभी थोड़ा देर टाइम लग रहा है, तब तक मैं पराठे खाता हूँ और फिर खाते हैं हलवा. और मम्मी ने हलवा बना दिया है, अब हलवे की शुरुआत करते हैं मम्मी से ही.